नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि हम भांग की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो भांग की जो पहचान हम कैसे करते हैं, तो मैं अभी आपको इसका पौधा दिखा रहा हूँ। तो ये पौधा जो है, ये भांग का पौधा है। अगर आपको कहीं भी ये दिखता है, तो अब इसका कैसे पता करेंगे भांग है? आप इसको सूंघ कर, इसमें थोड़ा आप सूंघोगे तो इसकी जो वो होती है, खट्टी सी होती है, इसकी महक जो होती है। और इसको कैसे करते हैं, तो दोस्तों भांग जो है एक प्रकार की औषधि भी है। इसको औषधि भी कहा जाता है और भोलेनाथ का प्रसाद भी है। ज़्यादातर लोग जो हैं भांग जो है शिवरात्रि के दिन पीते हैं। ज़्यादा भांग पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और अगर नॉर्मली आप कभी कभार पीते हैं प्रसाद के रूप में, तो शरीर के लिए सेहतमंद और लाभदायक होती है। तो दोस्तों, जो चीज़ हम हद से ज़्यादा खाते हैं, वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायी होती है, चाहे वो भांग हो, चाहे वो दारू हो, चाहे कुछ भी हो। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि भांग का पौधा कैसा होता है और इसकी कैसे पहचान की जाती है। ज़्यादातर लोग जो हैं नशे के रूप में इसको उपयोग करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो लोग इसको नशे के रूप में उपयोग करते हैं, वो इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसका सेवन जो होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है और बहुत ही शरीर के लिए, क्योंकि एक या दो बार खाना है इसको वो लाभदायक है। ये नहीं कि आप रोज़ इसको पेट भर भर कर खाएँ, तो नुकसानदायी होता है चाहे कोई भी चीज़ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो पेड़ है कैसा है। तो आप देख सकते हैं, ये भांग का पेड़ है, ऐसी इसकी पत्तियाँ होती हैं। तो लोग इसकी पत्तियों को घोट कर दूध उसमें डालते हैं, उसमें मेवा डालते हैं, बादाम डालते हैं, काजू डालते हैं, फिर इसको पीस कर पीते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है। और अगर आप भांग को सिगरेट में डालकर पीते हैं या किसी और चीज़ में डालकर पीते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी होती है। तो आप इन चीज़ों का सेवन करने से बचें। तो आपको मैं बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों को इसके लिए सेहत की बहुत लाभदायक होती है, और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं ये, क्योंकि ये एक पहाड़ों के अंदर पैदा होने वाली कुदरती जड़ी बूटी है, नेचुरल है, बारिश होती है तभी होती है। तो आज आप लोगों ने जाना कि भांग का पौधा कैसा होता है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, जो लोग जिनको इस वीडियो में आपको लगा कि कोई हमें जानकारी दी गई तो अच्छी दी गई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।